आपको बता दें कि आज एक बहुत ज्यादा अहम बैठक होने जा रही है। हरियाणा और हिमाचल के मुख्यमंत्री आज एक टेबल पर बैठेंगे, उनकी यह बैठक होगी और शाम 6 बजे का समय है। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री जब मुलाकात करेंगे और मुद्दे काफी अहम होंगे। सबसे बड़ा मुद्दा वाटर सेस का है। आपको बता दें कि वाटर सेस को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से जब से पत्र आया है उसके बाद से हिमाचल सरकार के लिए थोड़ी परेशानी बढ़ गई है, क्योंकि हिमाचल सरकार की तरफ से ही ये वाटर सेस लाया गया था और इसके बाद केंद्र सरकार की तरफ से चिट्ठी लिखी गई। केंद्र सरकार की तरफ से उस चिट्ठी में कहा गया कि आप नहीं लगा सकते हैं जल उपकर, और उन्होंने हरियाणा और पंजाब की तरफ से जो बात उठाई जा रही थी कहीं ना कहीं उसका समर्थन किया। ऐसे में आज ये मुलाकात होने जा रही है और ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। रवि हमारे साथ जुड़ गए चंडीगढ़ से, हमारे संवाददाता रवि, जरा बताइए कि क्या कुछ अपडेट और क्या कुछ खास निकल सकता है इस बैठक में आज? बिल्कुल विनय, देखिए हरियाणा के मुख्यमंत्री और हिमाचल के मुख्यमंत्री की आज 6 बजे मुलाकात होनी है, एक बैठक होनी है जिस पर वाटर सेस को लेकर एक चर्चा होनी है। वाटर सेस के अलावा कई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनको लेकर चर्चा होनी है। सबसे पहली बात तो अगर बात की जाए तो वाटर सेस को लेकर हिमाचल सरकार ने हरियाणा और पंजाब पर वाटर सेस लगाने की बात की गई थी, और कहीं ना कहीं हरियाणा में भी और पंजाब में भी विधानसभा सत्र के दौरान एक प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किया गया जिसमें कहीं ना कहीं इस वाटर सेस का जो है कहीं ना कहीं इसका विरोध जो है वो जताया गया था इस सेशन के दौरान, और कहीं ना कहीं हिमाचल सरकार को भी जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने अनुदान रोकने की बात जो कही है वो बिल्कुल हरियाणा उसके समर्थन में हो, और ऐसे में कहीं ना कहीं जिस प्रकार से केंद्र सरकार की मदस्था के बाद अब जो वाटर सेस है हरियाणा और पंजाब पर वो नहीं लगने वाला, उसी संदर्भ में आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो है हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू से मुलाकात करेंगे। 6 बजे ये मुलाकात होनी है और कहीं ना कहीं 1956 जो कहीं ना जो संधि थी, जो वाटर संधि थी, उसको लेकर जो है ये कहा जा रहा है कि इस प्रकार का उपकर जो है वो अब हिमाचल सरकार नहीं लगा सकती। अगर इस प्रकार का उपकर हिमाचल सरकार लगाती है तो केंद्र की तरफ से हिमाचल को देने वाले अनुदान जो है वो अनुदान राशि है उसको बंद कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा फैसला केंद्र सरकार की तरफ से लिया गया, मदस्था की गई। अब देखना होगा आज की इस मीटिंग में क्या कुछ बातचीत होती है, किस प्रकार से पूरी जो मुलाकात है वो रहती है। जी चलिए, बेहद शुक्रिया आपका रवि इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि आज की ये बैठक बहुत ज्यादा अहम और इस नजरिए से तो बहुत ज्यादा अहम हो जाती है, क्योंकि वाटर सेस को लेकर आपको बता दें कुछ दिन पहले ही केंद्र सरकार की तरफ से हिमाचल सरकार को चिट्ठी लिखी गई। हिमाचल सरकार को क्या, ज्यादातर राज्यों को यह साफ कर दिया गया इस चिट्ठी के जरिए कि आपके अधिकार क्षेत्र में ये नहीं है, आप अपने पास से जल उपकर नहीं लगा सकते हैं।